लीची। फाइनली हम लोग घर से निकल रहे हैं। अब दीदी सर आफ्टरनून एवरीवन। आज है फ्राइडे और अभी बज रहे हैं 12:30। पिंकी बना रही है इस वक्त गुलाब जामुन, जो कि हम लोग शाम को खाने वाले हैं। और गुलाब जामुन जितनी देर तक चाशनी में भिगो कर रखेगी उतना ही टेस्टी बनता है, तो इसलिए अभी बना कर रख देगी। और अभी गुलाब जामुन बनाने के लिए जो जो इन्ग्रीडियंट्स यूज़ किया है उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान आप लोगों के साथ बाँट लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर गुलाब जामुन बनाने के लिए पिंकी ने यूज़ किया है 2 टेबलस्पून सूजी, 1 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, और आप रिफाइंड ऑयल के जगह पे देसी घी भी यूज़ कर सकते हो, 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर एवरीडे, और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, चुटकी भर नमक। इन सबको एक साथ मिलाकर, जैसे कि आटे की डो बनाते हैं उसी तरह डो बना लिया है, और फिर उसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। और अब इसका लोई बनाकर, जैसे रोटी बनाने के लिए लोई बनाया जाता है, छोटा छोटा लोई बनाकर इसको रिफाइंड ऑयल में फ्राई कर लेगी। फ्राई करने के बाद एक तरफ पिंकी ने यहाँ पे एक कप पानी में 2 कप चीनी डाल दिया है, डाल के इसको चाशनी बना रही है। और चीनी के साथ यहाँ पे थोड़ा सा नींबू जूस और थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल दिया है। तो चाशनी ऑलरेडी बन चुका है और अभी इसको गुलाब जामुन को फ्राई करके उसमें चाशनी में डाल देगी गर्मा गर्म, और फिर ये शाम तक भिगो कर रख देगी यहाँ पे चाशनी में, और फिर शाम को खाएंगे। तो देखा आप लोगों ने कितना इजी होता है गुलाब जामुन बनाना, और आप भी इसको घर पर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही यम्मी बनता है ये, बहुत ही टेस्टी भी बना था। और आज से हम लोगों ने ये गुलाब जामुन खाने के बाद सोच लिया है कि बाहर से नहीं खरीदेंगे, जब भी खाने को मन करेगा पिंकी बना कर खिलाएगी हम लोगों को। रसगुल्ला खाओगे? खा लो यार। तैयार है गुलाब जामुन, खाओगे? नहीं खाऊंगा। क्या खाओगे फिर? मैं तो खाऊंगा रसगुल्ला। गुड इवनिंग एवरीवन, और अभी शाम हो चुका है, मतलब कि गुलाब जामुन खाने का टाइम हो चुका है। और सिर्फ गुलाब जामुन से तो पेट नहीं भरेगा, तो इसलिए मैंने पूरी और आलू की सब्जी बनाई है, और आज आलू की सब्जी भी बहुत ही टेस्टी बना है। Oh, 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 oh
यहाँ दोनों भाई बिजी है मोबाइल पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय फैमिली माय लाइफ। और आज है नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब कि 23rd में सैटरडे, और अभी बज रहे हैं 11:30। हम लोग फाइनली निकल चुके हैं शॉपिंग करने के लिए, जिसके बगैर ज़िंदगी अधूरी होती है। और वैसे भी कुछ ज़रूरी सामान खरीदना है, स्पेशली मेरा फेस क्रीम जो कि 3-4 दिनों से ख़त्म हो चुका है। ব্যাংক কালার আছে নাকি?